में जो है हाईटेक कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन आज हुआ है। हालांकि इसका हम आपको फिलहाल बता दें कि ये जो है गोविंद हाई स्कूल के बगल में हरिजन स्कूल जो है उसके जस्ट बगल में हाईटेक कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है और क्या कोर्स कराएंगे इस विषय पर बात करने के लिए यहाँ जो कंप्यूटर सेंटर का जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद आदम अंसारी, उनसे हम लोग बात करेंगे। और कब तक और क्या एडमिशन चार्ज रहेगा और क्या क्या कोर्स करवाएंगे और कहाँ तक बच्चों लोगों का जो है एजुकेशन दिया जाएगा। खास तौर पर अगर हम बात करें तो आज का डेट में अगर कहीं भी कंप्यूटर सेंटर में अगर आप जाते हैं, अगर आपके अंदर नॉलेज हो जाता है, आप सीख जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आप बेरोजगार रहते हैं। तो ऐसे मुद्दे पर, क्योंकि बेरोजगार झारखंड के अगर मुद्दा देखा जाए तो बेरोजगार के मुद्दा काफी बढ़ा हुआ है। अगर आप एजुकेशन ले लेते हैं कंप्यूटर के मामले में तो कंप्यूटर से संबंधित आपके पास काफी ऐसा नॉलेज हो जाता है जिससे आपको रोजगार मिल जाता है। लेकिन इस कंप्यूटर सेंटर जो खुला हुआ है इसके माध्यम से आपको क्या रोजगार मिलता है, इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन आज हुआ है और आपके द्वारा जो है संचालित किया जाएगा गढ़वा में, क्या इसका फैसिलिटी है? मेरा उद्देश्य यह है कि गरीब से गरीब बच्चा कम फी में टैलेंट जो विद्यार्थी हैं, तेज तरार विद्यार्थी हैं, वे सभी विद्यार्थियों को हमारे तरफ से, हमारे संस्थान के तरफ से एक विशेष ऑफर दिया गया है। हम एक टैलेंट हंट एग्जाम भी ले रहे हैं। इस एग्जाम के माध्यम से बच्चे जो अभी एक एग्जाम होगी, उस एग्जाम में जो है 100 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा और उसमें जो है जो बच्चे 80% नंबर लाते हैं, 80 से अबव लाते हैं, वे बच्चों को जो है 6 महीने का जो कोर्स जो होता है DCA कोर्स, वे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और 70% से अगर ऊपर लाते हैं वे बच्चों को जो है 3 महीने फ्री जो है आपको पढ़ाया जाएगा। और 60 से अबव जो लाते हैं उन्हें जो है मात्र जो है 199 रुपये महीने जो है बच्चों को जो है शिक्षा दी जाएगी कंप्यूटर का। और 60 से अगर कम अगर लाते हैं बच्चे तो उन्हें जो है 250 रुपये मंथली फी लेकर के जो है बच्चों को जो है शिक्षा दिया जाएगा कंप्यूटर का। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे का अभाव होता है। ऐसे बच्चे डायरेक्ट आकर के सेंटर के में जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, वैसे बच्चों को स्पेशल जो ऑफर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे विकलांग हैं, किसी तरह से दिव्यांग हैं, मैं वैसे बच्चों को सहानुभूतिपूर्ण डिस्काउंट के साथ, मैं अगर जो जैसा होंगे उसके अनुसार उन्हें डिस्काउंट दिया जाएगा और उन्हें शिक्षा दी जाएगी। रही बात एडमिशन का, तो एडमिशन जो है अभी 15 अप्रैल तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। 15 अप्रैल तक बच्चों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका एडमिशन होगा। और यहाँ पर एक अच्छे अच्छे शिक्षक को भी लगाया गया है जिनके माध्यम से शिक्षा कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन हो रहा है। क्या आज हाईटेक कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन हुआ है और बहुत सही आदमी और जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी समर्पित भाव से काम करें आदम जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं जी। और यह कहा जाए कि कंप्यूटर आज की जरूरत है, अगर यह कहने में कोई हमको हिचक नहीं है, जिसको कंप्यूटर नहीं आता उसको हम लोग अनपढ़ के श्रेणी में रख सकते हैं जी। पहले अनपढ़ शिक्षा शिक्षित नहीं होना माना जाता था, लेकिन आज जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो अनपढ़ माना जा सकता है। और अभी तक अधिकांश रोजगार अगर आप देखेंगे तो इसे डाटा उठा के देखिए तो लाखों लोगों का रोजगार आज का माध्यम एकमात्र कंप्यूटर बचा हुआ जी। उसमें परेशानी यह होती है कि सही जानकारी और सही स्किल का डेवलपमेंट हो जाए, जिसकी पूरी तरह व्यवस्था आदम जी करेंगे जी, तो उसके बाद से उस लड़के लड़कियां जो भी यहाँ से शिक्षा लेंगे उनको संसार के किसी कोने में वो आराम से अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। हम शुभकामना देंगे और उम्मीद करेंगे कि यह कंप्यूटर सेंटर से पढ़े लिखे लोग अच्छी शिक्षा लेकर देश के विभिन्न जगह पर काम करेंगे। कंप्यूटर की बात यह जरूर कहना चाहेंगे कि जब भी जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है जी, उसमें भी स्किल डेवलपमेंट और कंप्यूटराइजेशन का बहुत महत्व है। आपको शायद यह बताने में खुशी होगी कि डिजिटल मामले में भारत पूरे संसार में नंबर 1 पर चला गया जी। तो जब तक सब लोग शिक्षित हो जाए, सबको कंप्यूटर चलाने आ जाए, सबको अपना काम इस माध्यम से कर लें तो शायद 2-3 चीज मामले में बहुत लाभ होने वाला है। एक तो लोग उस जगह पर जाने से बच जाएंगे जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है जी। अगर हम ठीक ठाक जानकार हैं तो हमको रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, हमको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, हमको कहीं भी वैसे जगह पर जाने से बच सकते हैं जहाँ भीड़ भाड़ रहती है।
और तीसरी बात यह होगी कि अगर अभी आजकल हम लोग भी अपने यहाँ लोगों को अपॉइंट करते हैं तो यह जरूर पूछते हैं कि कंप्यूटर की जानकारी आपको है कि नहीं, ये जरूर पूछते हैं कि आप ठीक ठाक ऑनलाइन काम कर सकते हैं कि नहीं। और तो हमको लगता है कि प्रैक्टिक है, प्रैक्टिक की नियुक्ता एक आध 100 साल में एक बार आता है, लेकिन कोविड काल में यह पता लगा कि किसी भी शिक्षण संस्थान से ज़्यादा काम कंप्यूटर ही लोगों को मदद किया, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो या लैपटॉप के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो। इसलिए हम लोग यह जरूर उम्मीद करें कि यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके लोग अपना देश का और संसार के अन्य जगह पर अच्छा काम करें, शुभकामना देते हैं। इस सेंटर का क्या प्राथमिकता देंगे सर, अभी जैसे विद्यालय में जॉब देने का भी कुछ बात हो रहा था तो क्या? देखिए, हम तो इस सेंटर से जरूर कहना चाहेंगे कि हम लोग यह बात भी अपने तरफ से हम कह रहे हैं कि सेंटर से जो लोग पढ़े लिखे अच्छे लोग होंगे जी, उनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी और DPSCC के माध्यम से भी सबको रोजगार दिलाने का प्रयास है। हम इसलिए यह बात बोल रहे हैं कि आदम जी जब शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो अच्छे लोग अच्छी तरह से शिक्षा देते हैं जी, तो अभी स्किल लोगों की बहुत आवश्यकता है। हम यह इस बात को कहें कि चाहे ऑफिस सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट फर्म हो, सभी जगह जानकार लोगों का घोर अभाव जी, तो उसमें जानकार लोग आएंगे तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं कंज्यूम हो ही है।